आज डबिलपुरा नाले का जो फेज़ वन और फेज़ टू काम का भी इफ्तिताह हुआ। ये काम 15 दिन पहले शुरू हो चुका था और करीब इसकी लागत है 2,99,00,000। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 1 महीना या 1.25 महीने में ये काम तकमील को पहुंचेगा और इससे एक बहुत बड़ी राहत हल्के असम्बली याकूतपुरा की आवाम को मिलेगी, क्योंकि इस नाले से जो गंगानगर और आगे जो इलाके हैं वहाँ से पानी आता है, तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये काम के तकमील होने के बाद। मगर एक और अहम काम है जो ये नाला जाकर फरत नगर मिलता है, तो SNDP के ज़रिए 11 करोड़ का एक और एस्टिमेट बनाया गया है और इस सिलसिले में मुकामी MLA जनाब जाफर हुसैन मेरा साहब ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी की है। मैंने भी उनसे बात की है, कमिश्नर GHMC से, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला SNDP फेज़ टू क्या में उसको मंजूरी मिलेगी, तो इंशाल्लाह ताला ये एक काम पूरा तकमील को पहुंचेगा। मगर फिल वक्त डबिलपुरा नाले का फेज़ वन फेज़ टू का काम जारी है और उसका इफ्तिताह आज किया गया है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अनकरीब में हल्के असम्बली याकूतपुरा में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ तरक्याती काम की शुरुआत होगी, उसको अंजाम दिया जाएगा और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर याकूतपुरा असम्बली हलके में 3 रोड वाइडनिंग के काम इंशाल्लाह अनकरीब में वो शुरू होंगे। एक शेख फैस कमान से डबिलपुरा ब्रिज, दूसरा है नागाबोली का जो हालिया दिनों में मुतालिका MLA साहब जाफर हुसैन साहब ने चेक दिए, वो काम थोड़े प्रॉपर्टीज़ में उनको चेक देना है। और तीसरा एक जो भवानी नगर को रोड निकलती है उसकी रोड वाइडनिंग का, तो तीनों काम इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द शुरू होंगे वो। और मैं आवाम से अपील करता हूँ कि इसमें तआवुन करें ताकि हम रोड वाइडनिंग के काम को जल्द से जल्द शुरू करके उसको मुकम्मल कर सकें। 50 लाख रुपये